हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे रेडमी मोबाइल में कैमरा में टाइमर सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे कैसे सेटिंग करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर रेडमी के फ़ोन में कैमरा में यहाँ पर टाइमर सेटिंग करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग कैमरा को ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में। कैमरा एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको टाइमर सेटिंग करना है तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, थ्री लाइन का। आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर टाइमर सेटिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सेकेंड, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड का मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर जो भी टाइमर आप लोग इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस तरीके से जो है इसको जो है सेलेक्ट करके जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइमर लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे टाइमर कंप्लीट होने के बाद आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग टाइमर को सेट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कैमरा को ओपन करना है, उसके बाद थ्री लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आप लोग टाइमर सेटिंग करना चाहते हैं उसको क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और फ़ोटो अपने आप ही यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने फ़ोन में, रेडमी के फ़ोन में कैमरा टाइमर को आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।